बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रान बुखारी मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले खैरियत होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं 4 मरला डबल स्टोरी डब्ल्यू नी घर, जो कि हमारे पास आ चुका है सेल के लिए। व्यूअर्स, ये घर कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस घर की डिमांड और बाकी तमाम तरह डिटेल जो है वो हम आपसे वीडियो के दौरान शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। अब यो, सबसे पहले मैं आपको इस घर की लोकेशन के बारे में बताता चलूं तो ये घर कालटेक्स रोड पे है, जो कि इसकी 14 के बिल्कुल करीब है। लोकेशन वाइज ये घर इस एरिया के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है। आप में से कोई भी अगर इसको ऑनगोइंग विजिट करना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं विजिट की जानी। जी तो व्यूज़, ये आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो रॉक वॉल का काम किया गया है। ये इस घर का मेन डोर, और यहाँ पे जो है वो इसके राइट साइड पे आपको ये छोटा सा कैरी एरिया भी मिलता है, ये भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्रेंस यहाँ से भी दी गई है। अगर आप एक पोर्शन को रेंट पे देते हैं तो आप एक पोर्शन को रेंट आउट भी कर सकते हैं, और ये व्यूज आप इसका स्ट्रीट व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कारपोच की बात कर लें, कारपोच में आप एक गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, और इसके साथ जो है वो यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा स्टोर भी दिया गया स्टेज के नीचे, और इसके साथ ये एक पाउडर रूम है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको आप ड्राइंग रूम के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये इस घर की व्यूज़ मेन एंट्रेंस है, ये इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, और ये स्टेज जो है ये फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए दी गई है। 4 मरला पर घर बना हुआ है, डबल स्टोरी डबल यूनिट घर है। पहले हम आपको इसका ड्राइंग रूम दिखा देते हैं। ये आप इसका ड्राइंग रूम देख सकते हैं। 4 मरला का घर है व्यूज़, इसलिए यहाँ पे आपको लाउंज जो है वो सेपरेट से नहीं मिल रहा, आपको यही स्पेस मिल रही है। आप इसको लाउंज भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल रहे हैं। इसके बाद ये इसकी मेन एंट्रेंस, और एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड पर आपको इसका ओपन किचन मिलता है। घर को जो है वो डिज़ाइन डबल यूनिट के हिसाब से किया गया है, ताकि आप जो है एक पोर्शन को रेंट पर भी दे सकें अगर आपकी फैमिली छोटी है। और ये आप इसका बेडरूम नंबर 1 देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो भी मिल रही है, फ्लोरिंग भी यहाँ पे जो है वो आपको मार्बल मिल रहा है, और ये आप इसका बाथरूम भी देख सकते हैं। लास्ट में हम आपको दिखाते हैं इसका बेडरूम नंबर 2। तो ये व्यूज़ आप इसका बेडरूम नंबर 2 देख सकते हैं। आप इसका सीलिंग वर्क चेक कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो मिल रही है, और ये इसका बाथरूम नंबर 2। इसके साथ ही व्यूज़, ग्राउंड फ्लोर का विजिट कंप्लीट हुआ। आपको बताते चलें कि एंट्रेंस के बिल्कुल साथ जो है वो आपको यहाँ पे ओपन किचन मिलता है। इसके बाद ये आप इसका एरिया देख सकते हैं, जिसको आप ऐसा लिविंग एरिया और ड्राइंग रूम यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट बेड और सेकेंड बेड। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पर, और आपको दिखाता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन। ये स्टेज फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए दी गई है बिल्कुल सेपरेट से, और फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले आपको इसका ये एरिया मिलता है। ये स्टेज जो है ये छत पे जाने के लिए दी गई है, और यहाँ पे ये आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है। ये इसके ड्राइंग रूम, और बिल्कुल सेम अकोमोडेशन है फर्स्ट फ्लोर पर भी। ये आप इसका किचन देख सकते हैं, फर्स्ट बेड। अब व्यूज़, इस घर की अगर हम डिमांड की बात कर लें तो इस घर की जो डिमांड है वो 1,80,00,000 है, जो कि निगोशिएबल है। और 4 मरला का ये डबल स्टोरी डबल यूनिट घर है। ये आप इसका बाथरूम भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है। यहाँ से मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं,